Hello everyone, welcome to my channel. My name is Praveen और आज मैं रेडी हूँ आपके लिए कुछ नया लाने के लिए. रोजाना मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको गारंटी देता हूँ, यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोज़ देखते हैं तो मैं आपको इंग्लिश में वो बताऊँगा जो आई थिंक हमने अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में नहीं सीखा. तो आज मैं एक नया वर्ड बताने जा रहा हूँ, फॉन्ड ऑफ. इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए शब्दों का यूज करना आना चाहिए, मीनिंग नहीं करना आना चाहिए उनका, हिंदी मीनिंग. तो जैसे यदि मैं ये कहूँ कि मुझे बाइक चलाने का शौक़ है, मुझे मिठाई का शौक़ है, मुझे गाने गाने का शौक़ है या सुनने का शौक़ है, या फिर मैं मूवीज़ का शौकीन हूँ, मैं डांस का शौकीन हूँ, इस तरह का यदि हमको कॉन्वर्सेशन करना होगा इन इंग्लिश तो हम कैसे करेंगे? फाइन, देखिए, शौकीन होना या शौक होना के लिए इंग्लिश में एक शब्द है फॉन्ड ऑफ. आप फोन पर देख सकते हैं, फॉन्ड ऑफ. फाइन, देन अब यदि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि यदि मैं ये कहूँ कि मुझे मूवीज का शौक है या फिर मूवीज का शौकीन हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. क्या बोलेंगे हम? आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. क्लियर? यानी कि आई एम फॉन्ड ऑफ तो हमको बोलना है और फॉन्ड ऑफ के बाद में वो चीज़ें लगा देनी है जिसके हम शौकीन हैं. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप. यदि हम ये कहें कि मुझे मोबाइल का शौक है, मैं मोबाइल का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल्स. आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल्स. गॉट इट? समझ आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मिठाई का के शौकीन होते हैं, तो यदि आपको ये कहना हो और कि मैं मिठाई का शौकीन हूँ या मुझे मिठाई का शौक है, तो इसको हम बोलेंगे कि मिठाई होती है स्वीट्स, तो मैं शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ, और ऑफ के बाद में जिसके हम शौकीन हैं, किसके शौकीन हैं? मिठाई के. तो इसको हम बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. क्लियर? जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे गानों का शौक है, मैं सॉन्ग्स सुनता हूँ. क्लियर? तो इसे बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. क्या बोलेंगे हम? आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. यदि मैं ये बोलूँ कि गाने सुनने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स. अब मैं ये कहूँ मुझे डांस का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ डांस. यदि आप डांस की एक्शन बनाना चाहेंगे तो इसमें आप आईएनजी लगा दें तो डांसिंग हो जाएगा. आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग और आई एम फॉन्ड ऑफ डांस दोनों ही करेक्ट है. तो आज हमने सीखा कि फॉन्ड ऑफ का यूज हम कैसे करते हैं. किसी भी चीज़ के करने के, खाने पीने का हम शौकीन हैं, तो हम आई एम फॉन्ड ऑफ बोलेंगे और बस उसके बाद में वो चीज़ लगा दें जिसका हम शौकीन हैं. तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. मैं फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग.